तो आइए दोस्तों अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम जॉन गॉल्सबर्दी को कंप्लीट करेंगे और मुझे आपसे ये उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं आप हाथों हाथ उनको लर्न कर रहे होंगे। दोस्तों याद रखना, एग्जाम उसी का क्वालिफाई होगा जो सभी प्रकार की युक्तियों को इस एग्जाम में दांव पर लगाएगा। यानी आपको समझना भी है, आपको रटना भी है, आपको ट्रिक भी लगानी है, आपको चीजों को कंसिडर करके उनको एनालाइज करके भी समझना है। तो इस वीडियो की फिर से हम शुरुआत करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके लिए जॉन गॉल्सवर्दी से रिलेटेड, उसी तकनीक के साथ जिसके माध्यम से मैंने आपको ये क्वेश्चंस याद कराने का प्रयास किया है। तो आप रेगुलर कनेक्ट रहिए, वीडियो को जरूर देखिए, अपने क्वेश्चंस नोट करते रहिए, जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हों उनको वन टाइम नोट कीजिए, दोबारा से रिपीट हो रहे हों तो उनको छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो बिना समय गवाए ज्यादा समय लिए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हु सेड ए ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट प्लॉट देयर इज। Who said a human being is the best plot there is? किसने कहा है या किसने ह्यूमन को, ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को ही सबसे अच्छे प्लॉट की संज्ञा दी है? गॉल्सवर्दी, इलियट, जीबीशा, हेनरिक इब्सन। तो सही आंसर है दोस्तों गॉल्सवर्दी। गॉल्सवर्दी ने कहा है कि आप ह्यूमन बीइंग को ही सबसे अच्छा प्लॉट मान सकते हैं, उसके बिना बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच ईयर डिड गॉल्सवर्दी रिसीव नोबेल प्राइज। गॉल्सवर्दी ने किस वर्ष में नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है आप सही आंसर देंगे। जी हाँ, 1932 में गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज 1932 में मिला है। विच प्ले इज ए पोर्ट्रायल ऑफ द बैटल बिटवीन कैपिटलिस्ट और लेबरर। कैपिटलिस्ट या कैपिटल्स और लेबरर के बीच में जो अपवाद स्वरूप एक हड़ताल दिखाई गई है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक विवाद हमेशा ही अमीरों और गरीबों के बीच में, पूंजीवाद और मजदूर वर्ग के बीच में रहा है। तो इसी चीज को शो करने वाला गॉल्सवर्दी का एक प्ले है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ के अंदर पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हड़ताल कर दी जाती है लेबरर्स के द्वारा, मजदूरों के द्वारा। विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी मेड हिम फेमस। गॉल्सवर्दी को उसके किस प्ले ने फेमस बना दिया? दोस्तों आपको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, हर क्वेश्चन का आंसर उसके दिए गए विकल्प के आधार पर चुनना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जब मिले तो आप ये देखिएगा कि दिए गए विकल्प क्या हैं, उन्हीं के आधार पर आपको ये तय करना होगा कि कौन सा उनमें से आंसर होगा। दिए गए विकल्प में ही आप ढूंढिएगा कि उनमें से फेमस वर्क कौन सा है। तो यहां पर जो वर्क दिए हैं, द स्किन गेम है, द स्ट्राइफ है, द फिगरेटिव है, द मोब है। तो इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों कि किस वर्क की वजह से गॉल्सवर्दी को प्रसिद्धि मिली, ये पर्टिकुलरली किसी एक वर्क की वजह से ऐसा होना थोड़ा मुश्किल कहा जा सकता है। हाँ, यदि इसमें फोरसाइट सागा दिया होता तो आप उसको जरूर सेलेक्ट करते, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने के चांस है। तो यहां पर जो है आंसर वो आपका द स्किन गेम है। स्किन गेम की वजह से गॉल्सवर्दी को बहुत ज्यादा नेम और फेम की प्राप्ति हुई। जॉन गॉल्सवर्दी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब इन विच ईयर। जॉन गॉल्सवर्दी पेन क्लब के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए, किस ईयर में वो प्रेसिडेंट बने हैं? तो पहले आपको मैं बता दूं पेन क्लब है क्या। दोस्तों पेन से मतलब यहां पर प्लेराइट, ई से मतलब एसेस्ट और एन से मतलब नॉवलिस्ट है। पी से आप पोएट्स भी समझ सकते हैं, एसेस्ट नॉवलिस्ट या प्लेराइट एसेस्ट नॉवलिस्ट। तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट गॉल्सवर्दी जो बने हैं
ऑप्शन में यहां पर आपको दिया है 1919, 1920, 1921, 1922। तो दोस्तों सही आंसर जो है वो है 1921। 1921 में गार्ल्सवर्दी फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं पेन क्लब के, यानी कि प्लेराइट एसेस्ट एंड नॉवलिस्ट क्लब के। द फर्स्ट बुक ऑफ गार्ल्सवर्दी टू बी पब्लिश्ड वाज ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन 1897। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन था जो 1897 में पब्लिश हुआ और इट वॉज द फर्स्ट वर्क बाय गार्ल्सवर्दी। गार्ल्सवर्दी का ये पहला वर्क था। तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। यदि आपसे पूछा जाए गार्ल्सवर्दी का सबसे पहला वर्क कौन सा है तो आप कहेंगे फ्रॉम द फोर विंड्स दैट पब्लिश्ड इन 1897। 1897 में सबसे पहला वर्क इनका आया है फ्रॉम द फोर विंड्स, जो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। और उसके बाद यदि बात करें तो 1906 में उनका फर्स्ट प्ले आया है द सिल्वर बॉक्स। तो ये तीनों चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हु सेड लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड? देखिए गार्ल्सवर्दी की बात हो और ये कोटेशन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गार्ल्सवर्दी का कहना था कि साहित्य जो है वो अपने आप में ही एक उच्च कोटि का सम्मान है या सबसे बड़ा सम्मान है। तो आप याद रखिएगा लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, ऐसा गार्ल्सवर्दी ने कहा था। गार्ल्सवर्दी एंड अनदर ऑथर स्ट्रक अप ए फ्रेंडशिप व्हाइल ट्रेवलिंग। दो लोगों के बीच में दोस्ती हो गई जिनमें से एक गार्ल्सवर्दी थे और एक और अन्य लेखक थे। हु वाज द अदर ऑथर? तो दूसरे ऑथर का यहां पर नाम पूछा गया है। तो सही आपको बता दूं मैं, जोसेफ कॉनराड के साथ ट्रेवलिंग के दौरान इनकी मुलाकात होती है और दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती जो है लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में तब्दील हो जाती है। तो यहां पर याद रखिएगा गार्ल्सवर्दी और जोसेफ कॉनराड जो हैं वो फ्रेंड थे, मित्र थे। वन ऑफ गार्ल्सवर्दीज प्लेज शूक द लीगल सिस्टम एंड लेड टू सम रिविजन्स इन द रूल्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो जस्टिस प्ले के अंदर फाइल्डर को दिया गया है और फाइल्डर इस प्ले के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को उसे उसको दर्शाया गया है। और फाइल्डर से ही, इस प्ले से ही आपको बता दूं, जो इंग्लिश लीगल सिस्टम था उसकी जो व्यवस्था थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की यानी एकांतवास की सजा की, उसके बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। गार्ल्सवर्दी ने इसको सटायर के रूप में प्रयोग किया और अपने विचारों को बड़े ही खुले दिल के साथ रखा, जिससे इंग्लिश लीगल सिस्टम में इस व्यवस्था के जो होने वाले बदलाव थे उनको आगे आना पड़ा, उनको चेंजेस करने पड़े, क्योंकि वहां की जो व्यवस्था थी वो गार्ल्सवर्दी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इन्होंने उसी को क्लेरिफाई करते हुए, उसी को शो करते हुए, या यूं कहिए उसी पर सटायर करते हुए इन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम है जस्टिस। और जस्टिस प्ले में ही इंग्लिश लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है, सटायर किया गया है। इन द प्ले लॉयल्टीज डीलिंग विद लॉयल्टीज ऑफ ऑल काइंड गार्ल्सवर्दी हैज ट्राइड टू प्रूव दैट। अपने प्ले लॉयल्टीज में गार्ल्सवर्दी ने किस चीज को प्रूव करना चाहा है? तो एक्चुअल में आपको बता दूं, जब ये प्ले हम पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा, अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूं। गार्ल्सवर्दी ने विभिन्न प्रकार की लॉयल्टीज की बात की है, वफादारियों की बात की है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अन्य जिम्मेदारियां जो हैं उनको। तो यहां पर कंक्लूडिंग करते हुए इस प्ले को गार्ल्सवर्दी जो है कहना चाहते हैं कि लॉयल्टी
इज नॉट एनफ, केवल मात्र वफादारी ही सब कुछ नहीं है, केवल मात्र उससे ही काम नहीं बन सकता, उसके लिए व्यक्ति में, मनुष्य में, समाज में कुछ और भी गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, लॉयल्टी इज नॉट एनफ, दीज आर द कंक्लूडेड थीम बाय गर्ल्सवर्दी इन द प्ले लॉयल्टीज। एज ए ड्रामेटिस्ट गर्ल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड, जैसे ही यहां पर जोन्स का नाम आया होगा दोस्तों तो आपको नाम याद आ गया होगा कि गर्ल्सवर्दी ने अपने प्लेज में जिनकी प्रथा को फॉलो किया है, रियलिस्टिक वास्तविकता दर्शाने वाली ट्रेडिशन को फॉलो किया है, वो दो लोग कौन हैं? तो आपको याद रखना है, एक जोन्स और दूसरे हैं पिनेरो। इनको आप जरूर याद रखिएगा, पिनेरो और जोन्स को उन्होंने फॉलो किया है। गर्ल्सवर्दी मैट टू होम इन 1893 एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम। As I have told you that Galsworthy while traveling met a novelist in 1893 that was none other than but Conrad. Conrad के साथ उनकी मुलाकात 1893 में हुई और दोनों में दोस्ती हो गई और ये फ्रेंडशिप जो है लाइफ लॉन्ग हो गई। Which novel was published in 1899 of Galsworthy's first novel? Galsworthy के first novel की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, Jocelyn was the first novel published by Galsworthy. First play की यदि बात करें तो Silver Box जो 1906 में आया है, और अगर पहले published work की बात करें तो आपको मालूम है 1897 में From the Four Winds इनका पहला short story collection published हुआ था। Which was the first play made Galsworthy famous as a playwright? एक playwright के रूप में कौन सा उनका पहला play था जिसने उनको famous कर दिया? तो first play की यदि बात आए तो आपको मालूम है The Silver Box जो 1906 में publish हुआ है। Galsworthy's reputation as a novelist was established by Galsworthy की जो as a novelist के रूप में जो रेपुटेशन है राइटर्स के बीच में, उसको दिलाने वाला या लाने वाला कौन सा वर्क है? जस्टिस, जॉसलिन, द फोरसाइट सागा, द फ्रेटर्निटी। तो सही आंसर आपको मालूम है द फोरसाइट सागा। यही एक ऐसा फेमस वर्क है जिन्होंने गर्ल्सवर्दी को ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस बना दिया। There were two interludes included in Foresight Saga. These were, दोस्तों दो interlude जोड़े गए हैं Foresight Saga Chronicle में। तो यहां पर उनका नाम पूछा गया है कि दो interlude जो थे वो कौन से थे। तो देखिए यहां पर ऑप्शन को किस तरह से बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। Indian Autumn of a Foresight and Awakening, Indian Summer of a Foresight Tales and Awakening, इंडियन विंटर ऑफ ए फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर है बी, जो दो इंटरल्यूड फोरसाइट सागा में जोड़े गए उनमें पहला है इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, दूसरा वर्क है अवेकनिंग। तो ये दोनों वर्क आपको ध्यान रखने हैं, इंटरल्यूड के रूप में फोरसाइट सागा में इनको इंक्लूड किया गया है। Which play deals with the impact of modern publicity on private domestic tragedy? कौन सा प्ले गर्ल्सवर्दी का ऐसा है जिसमें मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजडी को दर्शाया गया है? देखिए इसको बड़ी ही ट्रिक के माध्यम से, आसान ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। Which play deals with the impact of modern publicity? देखिए दोस्तों पब्लिसिटी जब होती है जब आप कुछ दिखाते हैं, कुछ शो करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है द शो, ये इनका वर्क है, इसको ध्यान रखिएगा आप। प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजडी इसको कहा गया है और इसमें मॉडर्न पब्लिसिटी को दर्शाया गया है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि मॉडर्न पब्लिसिटी जब होगी या पब्लिसिटी जब होगी जब शो किया जाएगा, कुछ दिखाया जाएगा। Which play
of Galaswardi has two laws. One is meant for the rich and one is meant for the poor. देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा Galaswardi का प्ले है जो इस सेंटेंस को क्लेरिफाई करता है. सेंटेंस है, देयर आर टू लॉज, दो लॉ है, दो कानून की व्यवस्थाएं हैं. वन इज मेंट फॉर द रिच, एक व्यवस्था अमीरों के लिए है, एंड अनदर फॉर द पुअर, और दूसरी व्यवस्था गरीबों के लिए है. तो अमीर गरीब के बीच जो न्याय की खराब व्यवस्था दोस्तों दिखाई गई है वो सिल्वर बॉक्स में दिखाई गई है. सिल्वर बॉक्स में सेम कंडीशन वाली, सेम स्थिति वाली चोरी दो लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन एक को सजा होती है और एक को सजा नहीं होती है. तो इस बात से कहा जाता है कि देयर आर टू लॉज, वन फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर. गरीब के लिए अलग न्याय व्यवस्था है और अमीर के लिए अलग न्याय व्यवस्था है. इस बात को सिद्ध करने वाला जो प्ले है वो है द सिल्वर बॉक्स. एक्चुअल में आपको बता दूं, इसमें सिल्वर बॉक्स की ही चोरी की जाती है. सिल्वर बॉक्स की चोरी होती है, उसी को इसमें दर्शाया गया. विच प्ले ऑफ Galaswardi डील्स विद द कंफ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स. एज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम दैट द कंफ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स इज शोन इन द प्ले स्ट्राइफ. स्ट्राइफ के अंदर ये दिखाया गया है कंफ्लिक्ट मजदूर वर्ग का और पूंजीवादी वर्ग का. जैक बार्टविक एंड जोन्स अपीयर्स इन. जैक बार्टविक एंड जोन्स अपीयर्स इन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. कैरेक्टर को आपको जरूर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं. दोस्तों ये सिल्वर बॉक्स के कैरेक्टर हैं, जैक बार्टविक और जोन्स. हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ. स्ट्राइफ के अंदर जो लीडर है लेबरर्स का वो कौन है, तो आपको याद रखना है. पहले भी ये क्वेश्चन हो गया है, शायद आपको याद हो, फाल्डर, डेविड रॉबर्ट्स, एंथनी, जॉन बार्टविक. तो सही आंसर है दोस्तों डेविड रॉबर्ट्स. डेविड रॉबर्ट्स इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ. विच प्ले ऑफ Galaswardi डील्स विद द इमोशनल कंफ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड ए वुमेन. कौन सा प्ले जो है Galaswardi का वो इमोशनल कंफ्लिक्ट को दर्शाता है लवर और ए वुमेन, प्रेमी और एक महिला के बीच में. तो सही आंसर आप थोड़ा सा अंदाजा अगर लगाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं. इस कंफ्लिक्ट को दर्शाने वाला प्ले है जॉय. कर्नल होप अपीयर्स इन. कर्नल होप किस प्ले के अंदर है, या ये कहिए कि कर्नल होप नामक कैरेक्टर जो है वो किस प्ले में आया है, तो आंसर है दोस्तों द जॉय. कर्नल होप अपीयर्स इन द प्ले द जॉय. इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जोन्स स्टील्स. जो सिल्वर बॉक्स प्ले है उसमें जो कैरेक्टर है जोन्स वो क्या चुरा लेता है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ए सिल्वर सिगरेट बॉक्स, ए लार्ज अमाउंट चेक, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन बॉक्स. तो आपको अगर पता हो तो आप बता सकते हैं ए सिल्वर सिगरेट बॉक्स इज द करेक्ट आंसर. इसमें जो है सिल्वर बॉक्स जो है वो सिगरेट वाला बॉक्स है, उसकी चोरी जोन्स के द्वारा कर ली जाती है. इन विच प्ले वेलविन वॉज एन आर्टिस्ट. कौन सा प्ले है जिसमें वेलविन नामक कैरेक्टर को दर्शाया गया है, तो इसको भी मैं आपको आसानी से ट्रिक के रूप में याद करा दूंगा दोस्तों. देखिए यहां पर है द पिजिन. पिजिन से वेलविन को आप बुलबुल के रूप में बुला सकते हैं. वेलविन बुलबुल इज ए कैरेक्टर इन द पिजिन. बुलबुल और कबूतर की कहानी है, इसको आप इस तरह से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं. विच प्ले ऑफ Galaswardi डील्स विद ए रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन. Galaswardi का कौन सा प्ले जातीय समीकरण को, प्राइड को एंड सोशल कन्वेंशन को दर्शाने वाला प्ले है,
बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। लॉयल्टीज, जी हाँ सही आंसर है लॉयल्टीज। सोशल प्राइड को, सोशल कन्वेंशन को दर्शाने वाला, रेशियल प्राइड को दर्शाने वाला प्ले है लॉयल्टीज। वी हैव टू लव बिकॉज वी लविंग, वी हैव टू लव बिकॉज वी लविंग। वी वेयर डज दिस लाइन अपीयर, मैंने पिछले वीडियो में ये बहुत ही आसानी से आपको कनेक्ट करवाया था, मुझे उम्मीद है अब भी आपको ये सही सही याद होगा। जी हाँ लव बिकॉज वी लविंग, तो ये ए बिट ऑफ लव में आया है। इन लॉयल्टीज मोबाइल इज द वाइफ ऑफ, लॉयल्टीज प्ले के अंदर मोबाइल जो है वो किसकी वाइफ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कैप्टन डेंसी, मोबाइल इज द वाइफ ऑफ कैप्टन डेंसी, कैप्टन डेंसी की ये पत्नी है, मोबाइल इज द वाइफ ऑफ कैप्टन डेंसी। यहीं से दो चीजें आप याद रख लीजिएगा कि मोबाइल नामक जो कैरेक्टर है वो लॉयल्टीज में आया है, कैप्टन डेंसी नामक जो कैरेक्टर है वो भी लॉयल्टीज प्ले के अंदर आया है। इन विच प्ले ए यंग वुमेन किल्स हर ओन चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, किस प्ले के अंदर एक यंग वुमेन, एक स्त्री किल्स हर ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार देती है, टू एस्केप सोशल टायरनी, टू एस्केप बचने के लिए सोशल टायरनी से, द एस्केप, द स्किन गेम, द विंडोज। ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको सही आंसर शायद पता हो। इन विच प्ले ए यंग वुमेन किल्स हर ओन चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, सोशल टायरनी से बचने के लिए, सामाजिक अत्याचारों से, कमेंट से बचने के लिए एक महिला अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है, मार देती है, वो कौन सा प्ले है, द एस्केप, द स्किन गेम, द विंडोज, दी जस्टिस। तो सही आंसर है दोस्तों दी विंडोज, दी विंडोज में एक महिला अपने आप को सामाजिक जो प्रताड़नाएं हैं उनसे बचाने के लिए वो अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है। विच ड्रामा ऑफ गार्ल्सवर्दी डेपिक्ट्स द फाइट एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, किस प्ले के अंदर दोस्तों, ये जो थीम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको याद करना है, ये थीम अक्सर पूछ लिए जाएंगे और इससे कम इस बार के एग्जाम में दो क्वेश्चन आने अनिवार्य है। हालांकि आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटा सा वो वीडियो होगा, जिसमें सभी प्लेस के जो थीम है गार्ल्सवर्दी के वो मैं आपको वन लाइन में लिखा दूंगा। तो यहां पर क्वेश्चन है विच ड्रामा ऑफ गार्ल्सवर्दी डेपिक्ट्स द फाइट एंड आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, कौन सा प्ले है दोस्तों, प्ले है द मोब, सही आंसर है इसका द मोब। सोमेज इराने एंड ओल्ड जोलियन आर अपीयर्स इन, ये दोस्तों यहां पे आर गलत लगा हुआ है, सोमेस इराने ओल्ड जोलियन अपीयर्स इन, कौन से प्ले के अंदर ये तीनों कैरेक्टर आए हैं, कौन सा प्ले है, अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है। द फोर साइड सागा, द फोर साइड विलेज, द साइलेंस, जॉसलिन, यस सही आंसर है दोस्तों द फोर साइड सागा, सोमेस इराने एंड ओल्ड जोलियन अपीयर्स इन द फोरसाइट सागा। विच प्ले ऑफ गार्ल्सवर्दी डील्स विद द इनएडुकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कौन सा प्ले है इनमें से, कौन सा प्ले जो इनएडुकेसी ऑफ जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको दर्शाता है, द मोब, जस्टिस, एस्केप और स्ट्राइव। सही आंसर यदि किसी को पता हो तो वो बता सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर है एस्केप।
विच प्ले ऑफ गार्ड्सवर्दी डील्स विद द इनएडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। द प्ले जस्टिस इज ए सटायर ऑन। जस्टिस दोस्तों एक सटायर है, किस पर सटायर है? द इंग्लिश द सिस्टम ऑफ पेइंग ऑफ वेज, द सिस्टम ऑफ सोशल कस्टम, द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। तो आपको मालूम है जस्टिस में जो बात हुई है, सटायर है वो लीगल सिस्टम पर, सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल पर, कोर्ट ट्रायल पर। गार्ड्सवर्दी'स फादर वाज ए, गार्ड्सवर्दी के पिता क्या थे? आपको मालूम है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, सॉलिसिटर। यस करेक्ट आंसर। गार्ड्सवर्दी'स फादर वांटेड टू मेक हिम, गार्ड्सवर्दी के पिता उनको क्या बनाना चाहते थे गार्ड्सवर्दी को? यस सही आंसर है, बैरिस्टर। वो उनको भी एक वकील बैरिस्टर बनाना चाहते थे। गार्ड्सवर्दी'स लिटरेरी कैरियर बिगन इन 1897 विद द पब्लिकेशन ऑफ। गार्ड्सवर्दी का जो लिटरेरी कैरियर है उसकी शुरुआत 1897 में होती है एक पब्लिकेशन के साथ। वो पब्लिकेशन कौन सा था? कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। जी हाँ, फ्रॉम द फोर विंड्स। फर्स्ट उनका जो है स्टोरी कलेक्शन, सबसे पहले उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत स्टोरी कलेक्शन की पब्लिकेशन से की 1897 में। गार्ड्सवर्दी वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। गार्ड्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट किस सन में दिया गया है? 1929 में ये दिया गया दोस्तों। हु वाज द सन ऑफ जॉन बार्टविक। जॉन बार्टविक का जो बेटा है उसका क्या नाम है? इन द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स प्ले के अंदर। सही आंसर है दोस्तों जैक। जॉन बार्टविक और जैक बार्टविक, याद रखिएगा, जॉन जैक, जॉन जैक। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉबर्ट्स वाइफ इन स्टाइल। देखिए दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट की वाइफ का क्या नाम है? आपको बता दूं, जहां तक मुझे ध्यान है रॉबर्ट की वाइफ की इस प्ले में डेथ हो जाती है। जी हाँ, एनी, एनी डाइड इन द प्ले स्ट्राइव। तो ये रॉबर्ट की वाइफ है, और आपको ये भी याद रखना है कि रॉबर्ट इज ए कैरेक्टर इन स्ट्राइव, एनी इज ए कैरेक्टर इन स्ट्राइव। Which character does not belong to Strife? इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो Strife प्ले के अंदर नहीं आया हुआ है? जॉर्ज रॉस, इवांस, रॉबर्ट्स, ये सब इस प्ले में है, लूसी इस प्ले का कैरेक्टर नहीं है। How many acts are there in Strife? Strife प्ले में कितने एक्ट हैं? 5, 4, 2, 3। दोस्तों इस प्ले में 3 एक्ट्स हैं। स्ट्राइफ हैज 3 एक्ट्स। हु डाइज इन द मिड ऑफ द प्ले स्ट्राइफ। मैंने आपको बताया था कि कौन मर जाता है मिडिल में ही प्ले स्ट्राइफ में, तो एनी, मैरी, एनिड और बल्जिन। तो आप इनमें से आराम से बता सकते हैं। जी हाँ, सही आंसर है एनी। एनी इज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट, और ये प्ले के बीच में ही इसकी डेथ हो जाती है। गार्ड्सवर्दी इज ए ड्रामेटिस्ट ऑफ। रियलिस्टिक ड्रामा लिखे हैं गार्ड्सवर्दी ने, रिलीजियस धार्मिक ड्रामे लिखे हैं, सस्पेंस संदेह वाले, सस्पेंस वाले ड्रामे लिखे हैं, रिवेंज प्लेज लिखे हैं, बदला लेने वाले प्ले लिखे हैं। तो आपको मालूम है गार्ड्सवर्दी इज ए प्ले राइटर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द नॉवेल ऑफ गार्ड्सवर्दी। इनमें से कौन सा गार्ड्सवर्दी का नॉवेल है? एस्केप, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, फ्लावर वाइल्डनेस। आपको आंसर मालूम है, आप ये कई बार पढ़ चुके हैं। सही आंसर है फ्लावर वाइल्डनेस, इट इज ए नॉवेल। एस्केप, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस आर प्लेज। हिज प्लेस
इन ब्रिटिश ड्रामा इज वेल सिक्योर्ड बिकॉज ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सीरियस ड्रामेटिस्ट हु एंजॉय इन नेशनल वाइड पॉपुलरिटी हु कमेंट्स किसने ये कथन कहा है गर्ल्सवर्दी से रिलेटेड गर्ल्सवर्दी के बारे में ये ट्रिब्यूट है दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा His place in British drama is well secured. आप इतना इससे यहां से इसको याद कर लीजिए कि उसका जो स्थान है ब्रिटिश ड्रामा में वो वेल सिक्योर्ड है ये और किसी ने नहीं बल्कि दोस्तों जे एल रॉय ने ये कोटेशन कही गर्ल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज इंटरप्रेटेड टूडे गर्ल्सवर्दी ने जीवन को क्रिएट ही नहीं किया बल्कि उसको इंटरप्रेट किया है वो कमेंट्स किसने कहा है जे एल रॉय ने जे रेस्ले ने कहा है गार्नेट ने कहा है हरमन ओल्ड ने कहा है 48 क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर है हरमन ओल्ड दोस्तों यदि किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे उसका सही आंसर मैं जरूर दूंगा अगर किसी को संदेह लगता है तब इन हिज प्लेस गर्ल्सवर्दी प्रूव्स हिमसेल्फ एज ए अपने प्लेस के अंदर गर्ल्सवर्दी ने अपने आप को क्या दर्शाने की कोशिश की है या उनके माध्यम से क्या हम उनको कह सकते हैं रिलीजियस पोएट कह सकते हैं लिरिकल राइटर कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं नन ऑफ दीज इनमें से कुछ भी नहीं तो आप बता सकते हैं सही आंसर आपको मालूम है सोशल रिफॉर्मर की संज्ञा हम समाज सुधारक की संज्ञा हम गर्ल्सवर्दी को दे सकते हैं Whom does Galsworthy follow in his concept of tragedy? Galsworthy ने अपने ट्रेजडी के कॉन्सेप्ट में किसको फॉलो किया है शेक्सपियर को फॉलो किया है एरिस्टोटल को फॉलो किया है प्लेटो को फॉलो किया है नन ऑफ दीज तो आपको मालूम है अपनी ट्रेजडी के कॉन्सेप्ट में या तो आप कहिए इप्सन को हेनरिक इप्सन को या कहिए पाइनेरो को जोन्स एंड पाइनेरो को इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज Who among the following writers is known for his unforgettable sense of humor and comedy? इनमें से किस राइटर को उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है तो सिंपल सी बात है कॉमेडी देखिए ह्यूमर एंड कॉमेडी की बात यहां पे की जा रही है सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी तो इनमें से आपके सिलेबस में कोई राइटर नहीं है दोस्तों तो इसलिए साधारणता ये भी आप कह सकते हैं जॉन गर्ल्सवर्दी ही इसके सही आंसर दोस्तों एग्जाम में ऐसा हो सकता है ये बहुत अच्छी बात है आपको आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो उन्हीं राइटर का दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में है कई बार कॉन्टेम्परेरी जो राइटर है उनका वर्क तो जरूर दे दिया जाता है अदरवाइज कोई डीप क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा Whose models of problem plays did Galsworthy follow in writing his plays? देखिए problem plays की बात कर रहे हैं problem plays को लिखने में Galsworthy ने किसको follow किया है तो मैंने ये नाम कई बार आपको बता दिया है Henrik Ibsen. Ibsen को model मान करके उन्होंने अपने plays जो problem plays हैं वो लिखे हैं The Skin Game brings out the conflict between द टू पॉलिटिकल पार्टीज जो स्किन गेम है वो दर्शाता है कंफ्लिक्ट को दर्शाता है किन के बीच के कंफ्लिक्ट को दर्शाता है देखिए लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग क्लास दोस्तों ये भी थीमेटिक क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया है आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा इनका एक वीडियो मैं आपको जरूर बना दूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन गर्ल्सवर्दी का जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा ये आपको याद करना है किस प्ले का क्या थीम है उसमें क्या दर्शाया गया है यहां पर आपको बता दूं स्किन गेम जो प्ले है इनका उसके अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स हैं न्यूली एरिस्टोक्रेट्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस हैं मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उनका कंफ्लिक्ट इस प्ले में दर्शाया गया है
John Galsworthy has treated the theme of law and justice in many of his plays because Galsworthy ने बहुत सारे अपने plays में जो न्याय व्यवस्था है उसको उन्होंने दर्शाया है, उसका सही कारण क्या है, किस वजह से। तो देखिए, he himself was a qualified advocate, बिल्कुल ठीक, सही आंसर आप कह सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एडा गाल्सवर्दी के साथ इन्होंने जेल का जो है, उनके साथ ये जेल घूमने के लिए गए थे, जेल का इन्होंने निरीक्षण किया था एज ए राइटर, एक राइटर के रूप में, और वहां की जो व्यवस्थाएं थी उनसे ये बड़े दुखी हुए, इनका मन बड़ा द्रवित हुआ और उन्हीं चीजों को देखते हुए इन्होंने अपने बहुत सारे प्लेस में जो है लीगल सिस्टम को या जो जुडिशरी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसको इन्होंने इंडिकेट किया है, उसको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। जेंटलमैन मैन लाइक द प्रिजनर, मैन जो है, मनुष्य जो है वो प्रिजनर्स की भांति है, आर डेस्ट्रॉयड, जिनको बर्बाद कर दिया जाता है डेली, रोजाना, अंडर आउटला ऑफ वांट ऑफ दैट ह्यूमन इंसाइट विच सीज देम एज दे आर पेशेंट्स। देखिए ये कोटेशन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताई थी, किस प्ले में ये कोटेशन कही गई है, 55 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर है दोस्तों द सिल्वर बॉक्स, ये कोटेशन सिल्वर बॉक्स में बताई गई है, कही गई है, क्योंकि प्रिजनर्स को, पेशेंट्स को, क्रिमिनल को ये चर्चा जो भी हुई है, इस तरह की चर्चा ये सारी सिल्वर बॉक्स में दोस्तों देखने को मिलती है। द डार्क फ्लावर ए फेमस वर्क ऑफ गाल्सवर्दी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, द डार्क फ्लावर कुछ याद आया हो दोस्तों तो आप आराम से ध्यान कर लीजिए, द डार्क फ्लावर जो है एक लव नॉवेल है गाल्सवर्दी का, इंपॉर्टेंट है ये वर्क, ए लव नॉवेल डार्क फ्लावर, हमने कहा था कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको आप रोज जैसा कोई डार्क फ्लावर देते हैं, तो इट इज ए लव नॉवेल। द वर्ड स्ट्राइफ मीन्स, स्ट्राइफ का क्या मतलब है, स्ट्राइफ का मतलब फ्रेंडशिप, लव, हेल्प, स्ट्रगल, तो आपको मालूम है स्ट्राइफ मतलब संघर्ष। Who is the chairman of the Trinartha Tin Plate Works in Strife? Strife में जो फर्म दिखाई है दोस्तों उसका नाम है Trinartha Tin Plate Works, Trinartha Tin Plate Works, और इसका जो चेयरमैन है वो यहां पर पूछा गया है कि इस फर्म का चेयरमैन कौन था, तो जॉन एंथोनी is the chairman of the Trinartha Tin Plate Works in Strife. Who commented after the death of Galsworthy? Galsworthy की मृत्यु पर किसने ये कमेंट किया था दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Galsworthy की मृत्यु पर किसने ये कमेंट किया था, since his death in 1933, 1933 में उसकी मृत्यु से, द लेवल ऑफ हिज पॉपुलरिटी हिज रिमेंडेड रिमार्केबली कंस्टेंट, रिमार्केबली कंस्टेंट, उसका जो लेवल है 1933 में उसकी मृत्यु के बाद से वो उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम होना, कम नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन, ये जो कमेंट है दोस्तों ये जॉन हैम्पियन का है, जॉन हैम्पियन ने ये कमेंट किया है, इसको ध्यान रखिएगा। जॉन हैम्पियन ने कहा सिंस हिज डेथ इन 1933, 1933 में उसकी मृत्यु के बाद से आज तक जो उसकी प्रसिद्धि है वो कंस्टेंट बनी हुई है, लगातार बढ़ रही है। 59 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, विच वर्क बिलोंग्स टू गाल्सवर्दी, कौन सा वर्क गाल्सवर्दी से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन इस तरह के जरूर आएंगे, वर्क्स आपको याद करने हैं गाल्सवर्दी के, तो खास तौर पर आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा वर्क गाल्सवर्दी का है, कौन सा वर्क प्ले है, कौन सा वर्क नॉवेल है, उसमें आपको मालूम है विच वर्क बिलोंग्स टू गाल्सवर्दी, द यंगेस्ट सन नहीं है, मर्डर इन द कैथेड्रल नहीं है, आपको पता है,
सेंट जोन भी नहीं है, द एल्डेस्ट सन इनका वर्क है। यहां पर भी एक चीज बता दूं दोस्तों, मैंने आपको कहा भी था इससे पिछले वीडियो में कि इनके सभी प्लेस की एक शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। 3-4 लाइनों में एक छोटी सी कहानी है, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपको इनको सारे प्लेस एक ही बार में याद हो जाएंगे। आप मुझे भी उसको कभी भी रिवाइज करके ये पहचान सकते हैं कि कौन सा इनका प्ले है और कौन सा इनका नॉवल है। विच वर्क इज नॉट ऑफ गार्ल्सवर्दी, देखिए पूछा गया है कौन सा वर्क गार्ल्सवर्दी का नहीं है। सिल्वर स्पून, द स्किन गेम, द पिजीन, द मूड। 61 क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, सिल्वर स्पून इसमें आंसर दिया है, सिल्वर स्पून सही आंसर है दोस्तों इसमें, सिल्वर स्पून। यहां पर कुछ लोगों को दोस्तों कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि विच वर्क इज नॉट ऑफ गार्ल्सवर्दी, इनमें से कौन सा वर्क गार्ल्सवर्दी का नहीं है, तो मैं उसको क्लेरिफाई कर दूं, द पिजीन बिल्कुल है, द स्किन गेम यहां ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, द मोक जी हाँ बिल्कुल है, और यहां पर दिया है दोस्तों सिल्वर स्पून। तो इसको देख करके कुछ लोगों को डाउट होगा, दोस्तों आपको बता दूं जो गार्ल्सवर्दी का वर्क है वो है द सिल्वर स्पून, द सिल्वर स्पून। ये अंतर है इस प्ले में और जो यहां पर लिखा गया है उसमें, सिल्वर स्पून गार्ल्सवर्दी का वर्क है, केवल सिल्वर स्पून जो है वो गार्ल्सवर्दी का वर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। द सिल्वर स्पून इज ए वर्क बाय गार्ल्सवर्दी, सिल्वर स्पून इज नॉट ए वर्क बाय गार्ल्सवर्दी। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें द लगा हुआ है, इसमें द नहीं है। हिज फेमस प्ले जस्टिस वाज पब्लिश्ड इन, जस्टिस जो प्ले है इनका कौन सी सन में पब्लिश हुआ है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, आपको पता भी है 1910 में, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है 1910 में पब्लिश हुआ है। यहां पर आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट वर्क है गार्ल्सवर्दी के उनका पब्लिकेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए उनको आपको जरूर याद कर लेना है। कई बार आप सोचते हैं कि वो आएंगी डेट्स आएंगी, तो ऐसे जैसे शेक्सपियर जैसे राइटर हैं उनके जो वर्क की डेट है वो अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है क्योंकि वो निश्चित नहीं है। लेकिन गार्ल्सवर्दी के प्ले कब पब्लिश हुए ये बिल्कुल क्लियर कट है, तो इनको याद कर लेना बहुत ही जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। विच प्ले हैज बीन रिटन बाय गार्ल्सवर्दी, कौन सा प्ले गार्ल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, द सिटी, द मार्केट, द विलेज, आप बताइए कौन सा प्ले है, द फॉरेस्ट। तो सही आंसर है दोस्तों द फॉरेस्ट इज ए प्ले बाय गार्ल्सवर्दी। यहां पर दोस्तों आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्लेस और नॉवेल्स में आपको डिस्क्रिमिनेट उनको करना है, उनको याद रखना है कौन से वर्क इनके नॉवेल हैं, कौन से वर्क इनके प्ले हैं, और कौन से वर्क ऐसे हैं जो नॉवेल भी हैं और प्ले भी हैं। जैसा कि आपको मालूम है इनकी आदत थी कि कुछ समय के पश्चात ये अपने नॉवेल को प्ले में बदल दिया करते थे, तो कुछ वर्क ऐसे हैं दोस्तों इनके जो प्ले भी हैं और नॉवेल भी हैं। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, इनके प्लेज याद करने हैं, इनके नॉवेल्स याद करने हैं, और कौन से ऐसे वर्क हैं जो दोनों ही हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। गार्ल्सवर्दी इज ए ग्रेट मास्टर ऑफ, गार्ल्सवर्दी एक ग्रेट मास्टर कहे जा सकते हैं प्रॉब्लम प्लेस के। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि सर आप इसमें ये कर दीजिए तो हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अच्छा देने की आपको कोशिश करता हूं। वीडियो को आप कंप्लीट देखें, सारे क्वेश्चंस को तैयार करें, रिवाइज करें, लग जाइए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कोई त्रुटि हो जाती है दोस्तों वीडियो बनाने में, या कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो मुझे उसके लिए आपके सुझाव, मैं हृदय से आपके सुझाव मांगता हूं, जरूर उनको मुझको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता दीजिए। गार्ल्सवर्दी रोड नियर अबाउट, गार्ल्सवर्दी ने लगभग कितने वर्क यानी प्लेस लिखे हैं दोस्तों, यहां पे बात कर रहे हैं प्लेस की, तो लगभग 30 प्लेस उनके देखने को मिलते हैं। हु इज द कंटेम्पररी ऑफ गार्ल्सवर्दी, कंटेम्पररी की हमने बात की थी गार्ल्सवर्दी के, मिल्टन इनसे बहुत पूर्व के हैं 1608 1674, शेक्सपियर 1564 1616,
कॉन्ग्रीव उससे शेक्सपियर के साथ के हैं और जी बी शाह जो है वो इनके कंटेम्परेरी हैं दोस्तों। तो सही आंसर है जी बी शाह। द फ्रीलांस इज ए फेमस वर्क ऑफ कार्लसवर्दी इज ए, किस टाइप का वर्क है? तो सही आंसर है दोस्तों नॉवेल। जो फ्रीलैंड है वो एक नॉवेल है कार्लसवर्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कार्लसवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट ऑफ। जो कार्लसवर्दी के नॉवेल्स हैं वो मुख्य रूप से क्या दर्शाते हैं? इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, फेडरलिज्म अपॉन मोनार्की, ये आपको हमने पहले भी वीडियो में बता दिया था, क्लास प्रेडेशन अपॉन सोसाइटी। तो सही आंसर है दोस्तों क्लास प्रेडेशन, जो सामाजिक प्रथाएं हैं या जो कहिए कुप्रथाएं हैं उनको उनके प्लेस में दर्शाया गया है। विच ऑफ द नॉवेल्स डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फोरसाइट सागा, इनमें से कौन सा वर्क फोरसाइट सागा का पार्ट नहीं है? तो आपको याद होगा, आपकी आपको ये भी बता दूं दोस्तों इनकी जो ट्रायलॉजी है वो एक एक करके मैं आपको अलग से बताऊंगा, जिसको आपको मुख्य रूप से याद करना है। ट्रायलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा और दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूं तब मुझे चीजें याद आ जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि सर आपको ट्रायलॉजी करानी है ताकि मैं भूलूं ना, कमेंट में जरूर पढ़ता हूं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर उसमें ये मेंशन कर दें। ट्रायलॉजीज जो है कार्लसवर्दी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द फोरसाइट क्रॉनिकल जो है, द फोरसाइट सागा जो है उसके जो पार्ट है दोस्तों, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, इन चेंसरी है, टू लेट है, लेकिन वीवर्स इसका पार्ट नहीं है। तो ये जो ट्रायलॉजी है दोस्तों इसमें ये वर्क है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चेंसरी और टू लेट, लेकिन वीवर्स इसका पार्ट नहीं है। ए टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ कार्लसवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ, जॉन कार्लसवर्दी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया है किसके पब्लिकेशन के साथ, कौन सा वर्क उन्होंने उस समय पब्लिश किया जिसने उनकी लाइफ को बदल दिया? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ पॉवर्टी, जस्टिस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर जहां तक मुझे याद है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, जी हाँ। और इसको मैं आपको कनेक्ट भी करा देता हूं किस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, देखिए जब किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसके लाइफ में बदलाव आ जाता है, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइप, लीडर कौन है लेबरर्स का स्ट्राइप प्ले के अंदर? आपको याद होगा सही आंसर है डेविड रॉबर्ट्स। हु सफर्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जस्टिस प्ले के अंदर किसको हुआ है? तो आपको याद होगा फाल्डर, फाल्डर को सजा मिली थी एकांतवास की, एकांत कारावास की। विच प्ले इज द स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, कौन सा प्ले रेशियल प्राइड को दर्शाता है, जातीय समीकरणों को दर्शाता है, सोशल कन्वेंशन को दर्शाता है, लॉयल्टीज है, जस्टिस है, द मोब है, द सिल्वर बॉक्स है? सही आंसर है दोस्तों लॉयल्टीज। विच प्ले मेड ए ग्रेट सेंसेशन स्पेशली टू पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू कार्लसवर्दी, कौन सा प्ले है जिसने सेंसेशन फैला दिया, सनसनी फैला दी सारे में, लोगों को अवेयर कर दिया, जागरूक कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो और कोई नहीं है बल्कि जस्टिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, इसकी समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस, केवल एक ही मास्टर हो सकता है एक घर में। वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, जहां पर दो लोग मिलते हैं तो वहां पर जो अच्छा वाला होता है वो रूल करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये किसने कहा है ये आपसे पूछा गया है, ये एंटनी की स्पीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर कैन बी ओनली वन मास्टर इन ए हाउस, किसी एक घर में, ये बिल्कुल उसी तरह है दोस्तों जैसे कहते हैं ना जंगल में एक ही शहर, एक ही शेर रहेगा, वही वाली बात है कि एक ही मास्टर होगा, एक ही ओनर होगा,
जहां दो हो जाएंगे तो जो अच्छा वाला है वो उनमें से रूल करने लगेगा. इन दिस प्ले देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास. देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था ऑफ लंडन सोसाइटी. लंडन सोसाइटी की जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, मैन्युफैक्चर करने वाला जो वर्ग है, उसके बीच में और एरिस्टोक्रेट्स के बीच में जो कंफ्लिक्ट दर्शाया गया है, वो कंफ्लिक्ट को दर्शाने वाला मेन प्ले कौन सा है? द स्किन गेम, द मोब, द सिल्वर बॉक्स, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको विशेष रूप से आप ध्यान कर लेंगे कि एरिस्टोक्रेट क्लास को दर्शाने वाला और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दर्शाने वाला जो वर्क है वो कौन सा वर्क है. द स्किन गेम, द मूव, द सिल्वर बॉक्स, नन ऑफ दीज. तो दोस्तों दोबारा से एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं. इन दिस प्ले देयर इज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो पुराने रईस हैं एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके बीच में, और जो न्यू रिच हैं, न्यू रिच मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट दर्शाया गया है. तो उस कंफ्लिक्ट को दर्शाने वाला प्ले कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों द स्किन गेम. याद कर लीजिएगा द स्किन गेम. देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स. Where does this line appear? बहुत ही important है. There is nothing that gives more courage than to see the irony of things. कितना आप याद कर लीजिए, to see irony of things. किस play के अंतर्गत इसको रखा गया है? Plays नीचे दिए हुए हैं. The roof, the pigeon, the windows और the skin game. सही answer है दोस्तों the pigeon. द पिजिन से लाइन ली गई है. वी ऑल कट ईच अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, उसको जरूर याद कर लीजिएगा. वी ऑल कट ईच अदर्स थॉट्स, हम एक दूसरे के गलों को काट देंगे. फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. वेयर डज इट अपीयर्स, यह लाइन कहां पर आई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा थीमेटिक ये लाइन है दोस्तों. सही आंसर है लॉयल्टीज. विच प्ले है दोस्तों यहां पर, विच प्ले डील विद द इनएडिक्वेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवार्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर. कौन से प्ले में एक एस्केप्ड प्रिजनर के प्रति समाज के जो विभिन्न दृष्टिकोण है उनको दर्शाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एस्केप्ड से यहां पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. एक जेल से आए हुए व्यक्ति के प्रति समाज का क्या व्यवहार होता है वो एस्केप प्ले के अंदर दर्शाया गया है. ए यंग वुमेन किल्स हर ओन इलिजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी. कौन सा प्ले है जिसमें एक महिला अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है सामाजिक जो कमेंट्स हैं उनसे बचने के लिए, समाज को देखते हुए अपने आप को सेफ रखने के लिए एक महिला अपने बच्चे का कत्ल कर देती है, तो वो प्ले कौन सा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है विंडोज. लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्जाम में. लाइफ इज वन है दोस्तों यहां पर, वन इसको वन कर लीजिएगा. लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा है? तो इट इज सेड बाय गॉड्सवर्थी. लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, जीवन और कुछ नहीं है बस केवल एक टेम्पटेशन है, लालच. वी हैव टू लव बिकॉज वी लॉन्ग लविंग, वी लव लविंग, यहां पर लव है लव कर लीजिएगा. वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, तो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, आपको याद हो गया होगा. ए बिट ऑफ लव में लव की बात हो रही है. विच प्ले एनालाइसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी, मॉडर्न पब्लिसिटी किसमें होगी दोस्तों?
मॉडर्न पब्लिसिटी की बात हमने की थी द शो में, बिल्कुल ठीक सही आंसर है। व्हाट इज गांसवर्दीज डार्क फ्लोवर, डार्क फ्लोवर क्या है, एक लव नॉवेल है, आपको याद आ गया होगा और अब थोड़ी चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट होगी कि जो सर ने क्वेश्चन कराए थे वो हमको याद आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस का दोस्तों क्विक रिवीजन यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। Who said a human being is the best plot? किसने कहा है, गांसवर्दी ने कहा है, मनुष्य ही सबसे अच्छा प्लॉट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। In which year did गांसवर्दी receive Nobel Prize? आपको मालूम है 1932 में Nobel Prize मिला है। Which play is a portrayal of the battle between capitals and laborer? Capital और laborers के बीच में जो संघर्ष दिखाया गया है वो किसमें दिखाया गया है, स्ट्राइप में। Which play of गांसवर्दी made him famous? कौन से प्ले ने गांसवर्दी को famous बना दिया? तो आपको मालूम है द स्किन गेम, स्ट्राइप, द मोव, द फ्यूगेटिव। तो द स्किन गेम आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो वर्क दिए गए हों उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होता है। जॉन गांसवर्दी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब, पेन क्लब के जो प्रेसिडेंट है कब बने हैं गांसवर्दी, तो आपको याद होगा 1921 में। द फर्स्ट बुक ऑफ गांसवर्दी 1897 में जो पहली किताब इनकी पब्लिश हुई वो कौन सी थी, फ्रॉम द फोर विंड्स, और आपको पता है ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। Who said literature is its own reward? साहित्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है, ऐसा किसने कहा है, आपको पता है गांसवर्दी ने कहा है। गांसवर्दी एंड अनदर ऑथर स्ट्रक अप, गांसवर्दी और एक अन्य लेखक के बीच में मित्रता हो गई, वो लेखक और कोई नहीं, कौन है, यस जोसेफ कॉनराड। वन ऑफ गांसवर्दीज प्लेस शूक द लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम को दर्शाने वाला, सॉलिटरी कंफाइनमेंट को दर्शाने वाला प्ले कौन सा है, जस्टिस। इन द प्ले लॉयल्टीज डीलिंग विद लॉयल्टीज ऑफ ऑल काइंड गांसवर्दी हैज ट्राइड टू प्रूव, गांसवर्दी ने क्या प्रूव करना चाहा है, लॉयल्टी इज नॉट एनफ। एज ए ड्रामेटिस्ट गांसवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, जोन्स एंड पिनेरो। गांसवर्दी इज मेट टू होम इन 1893 एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप किसके साथ हुई है? आपको मालूम है कॉनराड के साथ। विच नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1899 में इनका पहला वर्क, पहला नॉवल जो पब्लिश हुआ है वो है जोसलिन। विच वॉज द फर्स्ट प्ले, फर्स्ट प्ले कौन सा है, फेमस एज ए प्ले राइट, जिसने इनको फेमस बना दिया, दोस्तों ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सिल्वर बॉक्स है, पहला प्ले आपको मालूम है इनका 1904 में प्रकाशित हुआ, सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स। गांसवर्दीज रेपुटेशन एज ए नॉवलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, गांसवर्दी की जो रेपुटेशन है एज ए नॉवलिस्ट के रूप में किस प्ले से वो उजागर हुई है, तो जोसलिन पहला नॉवल इनका है 1899 में। तो दोस्तों ये थे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस और सभी का मैंने कलेक्शन किया है, कहीं पर कोई डाउट कोई संदेह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको जरूर करेक्ट कर दूंगा। कई बार वीडियो बनाते समय कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स दोस्तों हो जाती हैं, आप सभी ने इतना समय दिया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने नोट्स आप सेल्फ से प्रिपेयर करते रहिए।